नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नीरज। आप सभी फ्रेंडों का मेरे इस चैनल में मोस्ट वेलकम, जिसका नाम है टैली मैथोडिस। आज का जो लेक्चर है, हमने पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि आप लेजर कैसे बना सकते हो इन जीएसटी के अंदर और आइटम कैसे बना सकते हो। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि जो हमने आइटम और लेजर बनाए हैं तो उनको हम उनके द्वारा हम परचेस कैसे करेंगे और सेल्स इनवॉइस कैसे इशू करेंगे इन जीएसटी के अंदर, वो भी टैली में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जीएसटी को एक्टिवेट कर लेते हैं इस टैली में। उसके लिए हमें F11 फीचर्स में जाना पड़ेगा, उसके बाद स्टेटमेंट एंड टैक्सेस F3, और यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी को यस करना है, और सेल टैक्स जीएसटी डिटेल को भी आपको यहाँ पर यस करना है। उसके बाद स्टेट पूछेगा, स्टेट वो देना है जिस स्टेट पर आप बिजनेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जीएसटी नंबर दे के चलना है। आप अगर ये जीएसटी नंबर नहीं आता समझ में तो आप मेरे GSTR1 के लेक्चर को देख सकते हो, वहां से समझ सकते हो। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जिन पार्टियों से हम माल खरीदने जा रहे हैं या बेचेंगे, उन पार्टियों के लेजर्स बना लेते हैं। दोस्तों, हमने लेजर पहले बनाए हुए हैं तो उनको हम अल्टा करके देख लेते हैं कि कैसे बनाए हुए हैं। तो उसके लिए अकाउंटिंग इन्फो, लेजर्स, और वहां पर अल्टा जाना है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि जो हम परचेस करेंगे या सेल्स करेंगे उन पर कौन कौन से टैक्स चार्ज किए जाएंगे। तो हमने पहला बनाया सेंट्रल टैक्स GST। आप यहाँ पर इनपुट और आउटपुट सेंट्रल टैक्स GST भी यूज कर सकते हो। अगर आप परचेस करते हो तो इनपुट CGST यूज कर सकते हो, और आप सेल्स करते हो तो आउटपुट CGST यूज कर सकते हो। उसके लिए कोई मनाही नहीं है, ना कोई बंदिश है। तो यहाँ पर आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस, जितने भी हमारे ड्यूटीज होती है और टैक्सेस होते हैं, जितने भी टैक्सेस होते हैं वो ग्रुप ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाता है, और ट्रांसफर ड्यूटी में GST लेना है, और यहाँ से आपको सेंट्रल टैक्स देके सेव कर देना है। अगर आप टैक्स रेट भी देना चाहते हो तो टैक्स रेट भी दे सकते हो। उसके बाद हमने बनाया है इंटीग्रेट टैक्स GST, बिल्कुल सेम है जैसे सेंट्रल टैक्स में, बस यहाँ पर जो हमने स्टेट सेंट्रल टैक्स लिया था तो यहाँ पे इंटीग्रेट टैक्स लेना है, और यहाँ पे आप सिंपली कर दीजिए सेव। और जो हमारा तीसरा है स्टेट टैक्स GST, और बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर स्टेट टैक्स लेना है। टैक्स टाइप में आपको स्टेट टैक्स लेना है। अगर सेंट्रल टैक्स बनाया है तो आपको सेंट्रल टैक्स लेना है, और इंटीग्रेट टैक्स बनाया है तो इंटीग्रेट टैक्स लेना है, उसको कर दीजिए सेव। उसके बाद हमने जो बनाया है पार्टी का लेजर बनाया हुआ है, जो मिस्टर डेटर है, डेटर है मिस्टर गौरव लाल, डेटर है, ठीक है, सनी डेटर के अंदर ये डेटर है क्योंकि इनने माल खरीदा है, कस्टमर है ये, रेगुलर डीलर है, मतलब बिजनेस है, बिजनेसमैन है मिस्टर गोरावलाल, जो परचेस करेंगे, इसलिए हमने डेटर बनाया इसको सनी डेटर के अंदर। और यहाँ पर आपको स्टेट, जिस स्टेट में आप परचेस कर रहे हैं या आप हो तो उसको लेना है दिल्ली, जिस स्टेट के आप परचेस करते हैं, और यहाँ पर सेट अल्टर जिस स्टेट को यहाँ पे यस करना है आपको। और यह है रेगुलर पार्टी है, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है, और उसका GST नंबर देना है, उसको कर दीजिए आप सिंपली सेव। उसके बाद मिस्टर मनोज पाल संडी क्रेडिटर है, मिस्टर मनोज पाल हम इससे माल खरीदेंगे, ये दिल्ली का है, तो यहाँ से आपको GST नंबर देना है, रेगुलर है, इसको भी कर दीजिए सेव। उसके बाद हमारा मिस्टर राहुल शाह है, जो हमारे कंपोजिट डीलर है, कंपोजिट डीलर, ये संडी क्रेडिटर, हम इससे माल खरीदेंगे। कंपोजिट डीलर कभी भी टैक्सेबल इनवॉइस इशू नहीं करता है, और ये अदर स्टेट का है, वेस्ट बंगाल का है, तो आपको देख के डालना है। और यहाँ से आपको सेटल GST पे जाना है यस करके, और जैसे ही यहाँ पर खुलेगा विंडो, पॉपअप विंडो, तो यहाँ पर आपको रजिस्टर टाइप में कंपोजिशन लेना है और उसका GST नंबर दे देना है, और उसके दीजिए सिंपली सेव। और जो हमने आखिरी बनाया हुआ है वो है मिस्टर रामनाथ, जो रेगुलर डीलर है, हम इससे माल खरीदेंगे क्रेडिटर से। तो यहाँ पर हमारा सेम स्टेट का है दिल्ली का, हम भी इस दिल्ली के, और ये जो मिस्टर रामनाथ है ये भी दिल्ली के, और ये रेगुलर है, और GST नंबर देखिए, इसको कर दीजिए सेल। उसके बाद हम करते हैं, अब करते हैं परचेस इनवॉइस इशू करते हैं, मतलब हम माल खरीदते हैं। तो परचेस इनवॉइस पे जाने के लिए आपको क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर पे जाना आप सिंपली, और वहां पर F9 प्रेस कर दीजिए तो आप परचेस वाउचर पे पहुंच जाओगे। और डेट जरूर चेंज कर लेना 1 जुलाई से। आप यहाँ पे पहले बिल नंबर दीजिए, उसके बाद जिससे हमने खरीदा है, हमने रेगुलर डील से खरीदा था पहले मिस्टर रामनाथ,
जो कि संडी डेटर है हमारे और रेगुलर डीलर है, और यहाँ से उसकी पूरी डिटेल देनी आप दीजिए, और यहाँ से आपको परचेस लेजर बनाना है, परचेस लेजर और ग्रुप लेना है परचेस, आपको यहाँ पे परचेस लेना है ग्रुप, और उसके बाद यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड इसको यस करना है, और इस जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल ही रखना है क्योंकि हमें इस बिल पे जीएसटी चार्ज करवाना है, और सेल टोटल जीएसटी डिटेल को आपको यहाँ पे नो करना है। नो इसलिए करके रखना है क्योंकि भाइयों कि जब आप मल्टीपल रेट में कोई परचेस या सेल्स करोगे तो उस केस में आपको नो रख के चलना है, और अगर आप सिंगल रेट में मगर एक काफी सारे आइटम खरीद रहे हो वो भी एक ही आइटम रेट के तो आप यहाँ भी यस कर सकते हो, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आप मल्टीपल रेट पे खरीदो तो आपको इसको नो करके लेके चलना। और टाइगर 16 में यहाँ पे गुड्स लेना है आपको, इसको कर दीजिए सेव। जैसे ही आप सेव करोगे या आपके सामने एक पॉपअप विंडो खुलेगी, इसको पॉपअप कहते हैं, टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स। अगर ये आपके विंडो पे शो ना हो तो आप क्या करना, सिंपली इसी वाउचर में आप F12 प्रेस करना और स्टेटरी ऑप्शन पे आना, यहाँ पे अलाउ मॉडिफाई ऑफ टैक्स डिटेल फॉर जीएसटी, इसको कर देना आपको सिंपली सेव, यस करना है, इसको मतलब कि इसको यस करना और कर दीजिए सेव। जैसे ही आप सेव करोगे तो आपके पास टैक्स क्लासिफिकेशन पूछेगा कि जो आप परचेस कर रहे हो किस तरह का टैक्स चार्ज किया जाएगा उस पर। तो हमने कहा कि जिसे हम माल खरीद रहे हैं वो रेगुलर है और सेम स्टेट का है, अगर रेगुलर और सेम स्टेट दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो ये आपको लेना है परचेस टैक्सेबल। अगर रेगुलर है बट अदर स्टेट पे है तो आपको इंटीग्रेट इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल लेना है, बट ये सेम स्टेट का है और रेगुलर डीलर है तो परचेस टैक्सेबल करके सेल कर देना। तो पहले हमने आइटम बनाए हुए हैं अकाउंटिंग विद कुक बुक की भी, हमने ले ली 10, जो हमने ये अकाउंट खरीद लिया हमने 650 रुपये की बुक है, और दूसरा हमने खरीद लिया है, हमने मैक्रो इकोनॉमिक खरीद लिया है, ये भी 10 खरीद लिए, ये 350 रुपये की है, और जो तीसरा आइटम है हमने सैमसंग गैलेक्सी A5 ये 2 पीस खरीदे हैं जो हमें पड़ गया है 25,000 रुपये का, और जो हमारा चौथा आइटम है हमने मोबाइल बनाए हुए हैं ये हमने एक खरीदा है, ये हमें पड़ गया 19,000 रुपये का। अब देखिए जो मिस्टर रामनाथ है जिसे माल खरीदे हैं रेगुलर है सेम स्टेट का है, अगर सेम स्टेट का है तो उस केस में आप सेंट्रल टैक्स जीएसटी चार्ज किया जाएगा और दूसरा स्टेट टैक्स जीएसटी चार्ज किया जाएगा। और अगर आपको इस इनवॉइस पे ये पता करना है कि इस पर कितना टैक्स रेट चार्ज किया गया है तो आप सिंपली क्या कहिए, इस राइट हैंड साइड पैनल में आइए टैक्स एनालाइज, वहां पे सिंपली प्रेस कर दे Alt+A। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास बुक्स थे अकाउंटिंग बुक्स मैक्रो बुक्स वहाँ पे 6% रेट चार्ज किया गया है स्टेट और सेंट्रल, और बट जो हमारे पास मोबाइल की कैटेगरी थी सैमसंग गैलेक्सी A5 और सैमसंग गैलेक्सी E5 तो उसके लिए हमारे पास 99% टैक्स चार्ज किया गया है। तो अगर हम परचेस वाउचर में जो कि वहाँ बताया था कि वहाँ पर आप यस करते हो वहाँ पे जो टैक्स देते हैं तो वही टैक्स यहाँ पे चारों आइटम पे शो करता, हम नो करके इसलिए चलते हैं ताकि जब कोई मल्टीपल रेट परचेस करते हैं या सेल्स करते हैं तो वहाँ पर उनका मल्टीपल रेट शो हो। तो इसको कर दीजिए आप सिंपली, आप नरेशन भी लिख सकते हो तो आप कर दीजिए सेम। अब हमने कहा रेगुलर डीलर से परचेस किया है, अब हम क्या करते हैं कंपोजर डीलर से परचेस कर लेते हैं, कंपोजर डीलर से परचेस करते हैं मिस्टर राहुल शाह जो हमारे वेस्ट बंगाल के हैं मतलब कि अदर स्टेट के हैं परचेस। अब देखिए कंपोजर डीलर है इंटर स्टेट है, मैंने क्या कहा था अगर वो सेम स्टेट का हो और नहीं सॉरी इंटर स्टेट हो कंपोजर डीलर हो तो यहाँ पर आपको कंपोजर परचेस फ्रॉम कंपोजर डीलर के लिए अलग टैक्सेबल कैटेगरी दी हुई है, बट आप जब रेगुलर डीलर से खरीदोगे और अदर स्टेट से खरीदोगे तो इंटर स्टेट टैक्सेबल पर चले गए। तो मगर यहाँ पर हम कंपोजर डीलर से खरीदे वो भी इंटर स्टेट तो यहाँ पर आपको परचेस फ्रॉम कंपोजर डीलर लेना है। आप क्या करना है यहाँ पे जैसे हमने आइटम खरीद लिया ये अकाउंटिंग बुक खरीद लिया हमने 5 खरीद लेगी और मैक्रो इकोनॉमिक्स 2 खरीद लिए। अगर हम टैक्स चेक करें तो देखिए कोई टैक्स रेट नहीं है,
तो अगर हम देखा कि हमने टैक्स एनालाइज पे देखा कि यहाँ पे देखिए कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया गया है, बट जब हमने रेगुलर डीलर से खरीदा था तो इन्हीं आइटम पर वो टैक्स चार्ज किया गया था। तो मैंने सिंपली आपको सिंपली पहले शुरू में ही बताया था कि जो कंपोजिट डीलर होता है वो कभी भी टैक्सेबल इनवॉइस शून्य नहीं कर पाएगा। तो आप इसको कर दीजिए सिंपली सेव। अब हम क्या करते हैं कि जो अब हम एक सेल्स करके देख लेते हैं आइटम को। अब सेकंड तारीख को अब सेल्स करते हैं हम। सभी डेटर है, रेगुलर बंदा है, ठीक है। हम इनको माल बेच रहे हैं मिस्टर गौरव लाल, ठीक है। आपको ये पूरी डिटेल डालनी है, अगर आपको पता है तो आप डिटेल डालिए। हमारा सेम स्टेट का दिल्ली का है। यहाँ से आप सिंपली लेजर बनाइए सेल्स का, ऑल्ट प्लस सी प्रेस करिए इसी विंडो पर, और यहाँ पे सेल्स का लेजर बना लीजिए। और यहाँ पे जैसे ही हमने परचेस के लेजर के साथ किया था बिल्कुल वैसा ही सेम यहाँ पे भी वही करना है, नो करके चलना है और यहाँ से गुड्स लेना है। और इसको कर दीजिए सिंपली सेव। सेव कर दीजिए। अब देखिए कि अब हम क्या करते हैं कि रेगुलर डीलर को हम सेल्स कर रेगुलर डीलर को सेल्स कर रहे हैं और सेम स्टेट का है, तो यहाँ पर आपको सेल्स टैक्सेबल लेना है। जैसे हमने परचेस टैक्सेबल लिया था कि सेम स्टेट में और रेगुलर है, तो परचेस टैक्सेबल यहाँ पे भी वही सेम है, सेम स्टेट का है, रेगुलर डीलर है, तो सेल्स टैक्सेबल। अब जैसे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास जैसे अकाउंटेंसी बुक भेज दी हमने, हमने भेज दिया है 9 भेज दिए, जो भेज दिए हमने 750 रुपये के। और दूसरी है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इस पर भेज दिए हमने 10 भेज दिए, ये हमने भेज दिए 450 रुपये की। और एक हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी A5 भेज दिया, एक भेज दिया हमने, ये भेज दिया हमने A5 हमारा 30,000 रुपये का भेज दिया हमने, ठीक है। अब देखिए अब हम सेम स्टेट में बेच रहे हैं और रेगुलर डीलर को बेच रहे हैं, तो उस केस में हमारा सेंट्रल टैक्स चार्ज किया जाता है और स्टेट टैक्स चार्ज किया जाता है। तो एनालाइज करने के लिए ऑल्ट प्लस ए करिए इसी विंडो पर। तो देखिए हमारा जो टैक्स इनवॉइस था और जो टैक्स सेट इस इनवॉइस पे चार्ज किया जाना है वो हमारा इसे कट चुका है। तो इसको कर दीजिए आप सिंपली सेव, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपनी रिपोर्ट पे चलते हैं कि हमारी रिपोर्ट पे क्या फर्क पड़ा है इन इनवॉइसों से। तो सबसे पहले हम अपनी बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट पे जाइए और यहाँ पे देखिए ड्यूटी एंड टैक्सेस हमारी -6870 है। तो देखिए माइनस में इसका मतलब होता है कि आपके पास या तो टैक्स रिफंड होगा या तो उसका क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। तो इसको देखिए कि हमें इतना क्रेडिट मिलेगा। उसके बाद चलते हैं हम अपनी जीएसटी की रिपोर्ट पे। तो जीएसटी की रिपोर्ट चेक करने के लिए आप सिंपली जाइए डिस्प्ले स्टेटरी एंड रिपोर्ट्स पे जाइए आप जीएसटी, और यहाँ पे देखिए GSTR 1 है, GSTR 2 है, GSTR 3 भी है। तो मैं एक्चुअली आपको बता दूं कि GSTR जो 1 है वो स्पेशल जितने भी हमारे सेल इनवॉइस होते हैं वो इस पे आते हैं। कहने का मतलब जो टैक्सेबल आउटपुट सप्लाईज होते हैं वो GSTR 1 पे, और जो GSTR 2 है वो परचेस जितने भी परचेस रिलेटिव जितने भी लेजर्स होते हैं वो यहाँ पर टैक्सेबल इनपुट सप्लाईज के लिए, और इनसे रिलेटिव जो क्रेडिट वाली होती है क्रेडिट मिलेगा या हमने इन कंपोजिट डीलर से परचेस किया है, नील रेट आइटम खरीदा है और नॉन जीएसटी गुड्स आइटम खरीदा है, तो उसकी रेट सारी इसमें। तो सबसे पहले हम GSTR 1 देख लेते हैं, डेट चेंज करके चलिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमने रेगुलर डीलर को सेल्स की थी तो वो यहाँ है। आप देखिए मिस्टर गौरव लाल को हमने सेल्स किया था, ओके। उसके बाद आप चलिए GSTR 2, हमने इस पे 2 लेजर बनाए थे परचेस के, तो डेट चेंज कर दिए सबसे पहले हमने, ठीक है। 2 लेजर बनाए थे बट यहाँ पे कर रहा है एक रेगुलर डीलर का ही परचेस शो कर रहा है और एक कर रहा है मिसमैच इनकम्प्लीट। तो सबसे पहले इसको ठीक कर लेते हैं, या कि आपके काम भी आएगा। तो आप सिंपली एंटर मारिए और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को भी एंटर मारिए। यहाँ पे देखिए मिस्टर राहुल साहब कंपोजिट डीलर से हम परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपली एंटर मारिए और यहाँ से परचेस फ्रॉम कंपोजिट डीलर चॉइस करके सिंपली एंटर मारिए। बस यहाँ से भी सेम चॉइस करके एंटर मार दीजिए और कर दीजिए सेव। ये इनवॉइस हो गया 100। अभी जो ये इनवॉइस 100 हुआ है वो आ हुआ है नील रेट इनवॉइस पे, ठीक
इससे पहले हमने अपने दो लेक्चर में जो हमारे दो वीडियो इशू हो चुके हैं इस पर नील रेट इनवॉइस पर, आप वहां पे भी देख सकते हो। तो जो हमने रेगुलर डीलर से परचेज किया था वो बी टू बी इनवॉइस में शो हो रहा है, बट जो हमने कंपोजिट डीलर से परचेज किया था वो नील रेटेड इनवॉइस में शो हो रहा है। तो देख लीजिए आप, यहाँ पे कंपोजिट डीलर से हमने परचेज किया था तो वो इनवॉइस यहाँ पे शो हो रहा है। तो देखिए हमने राहुल शाह जो कंपोजिट डीलर से वो यहाँ शो हो रहा है। और अगर हम अपनी GSTR 3B में जाएं तो यहाँ से आपको सिंपली पता चल जाएगा कि हमें कितना क्रेडिट मिलेगा। तो यहाँ पे नीचे आइए आप, यहाँ पे देखिए नेट ITC अवेलेबल, तो यहाँ पे आपको सिंपली कितना 1000 रुपये का और क्रेडिट मिलेगा 13,620 रुपया, और सेंट्रल टैक्स से 6,810 रुपया, और स्टेट से भी सेम अमाउंट हमें क्रेडिट मिलेगा। बट जो हमने कंपोजिट डीलर से परचेज किया था, जो हमने कंपोजिट डीलर से परचेज किया था उसकी एंट्री यहाँ पर है, जो हमने नील रेट आइटम एग्जाम गुड्स जो नॉन GST गुड्स होते हैं वो यहाँ ही शो होते हैं, और जो हमें क्रेडिट मिलेगा जैसा कि मैंने आपको बैलेंस शीट में शो करवाया था कि 6,810 रुपया इसका हमें क्रेडिट मिलेगा। यहाँ पे देखिए एलिजिबल ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट, हमें इतना टैक्स क्रेडिट मिलेगा, और जो जीरो रेट नील रेट के अलावा जो ट्रांजेक्शन हुए आउटपुट सप्लाई के लिए जो हमने सेल्स किए थे वो यहाँ है। तो आप इस तरह आप अपनी रिपोर्टों को मेंटेन कर सकते हो, और अगर किसी इनवॉइस में कोई इनकम्प्लीट मैचेस हो रहे तो इस तरीके से ठीक कर सकते हो। तो आज हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर आपको ये हमारा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अपनी कम्युनिटी में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। सो आज के लिए अलविदा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।